फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे एक बेसिक विमेन फेस बनाना। ठीक है, इसमें हम करेंगे मदर नेचर का पेंटिंग। तो अभी हम सिर्फ ड्राइंग सीखेंगे आज इस वीडियो में। तो इसकी सबसे इजी ट्रिक क्या है कि आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बना दोगे। ठीक है, थोड़ा स्लांटिंग दिख रहा है आपको। ठीक है, आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, आप स्लांटिंग भी बना सकते हो। मैं जो कर रही हूँ थोड़ा स्टिल्टेड फेस दिखेगा। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल है इसका मेजरमेंट जो है ये कुछ 4 है, और ये जो है ये 11 सेंटीमीटर है लेंथ इसका जो है। और इसका लेंथ जो है मैं आपको सेंटीमीटर्स में बता देती हूँ, ये 9 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, जो मेरा रेक्टेंगल का साइज़ है, आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग लेंगे। अब आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फेस ड्राइंग। अब आप क्या करेंगे, जहाँ से ये आपका रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप ऐसे करके फोरहेड पार्ट आएगा। ठीक है, और ये जो फोरहेड पार्ट है इसको अपन उसके बाद यहाँ पे नोज़ देंगे। नोज़ जहाँ पे ख़त्म करना है आपको ऐसे कर्व दोगे, और फिर ये लिप्स के लिए ऐसे आएगा। ठीक है, कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये फोरहेड पार्ट आया, ये नोज़ आया, ये लिप्स आए। अब जहाँ लिप्स ख़त्म हुए वहाँ भी ऐसे कर्व देते हुए, और जहाँ आपका रेक्टेंगल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपका चिन आएगा। ठीक है, अब ये इतना आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर मैं आपको मेजरमेंट से ही बताऊँ तो, ठीक है, ये कुछ 2 सेंटीमीटर्स के आसपास आप मार्क करेंगे, और आप इसको यहाँ से ऐसे लेते हुए इसका नेक ले लेंगे कर्व। ठीक है, अब ऐसे ऊपर हमने कॉर्नर से लिया था, तो ये थोड़ा सा हेयर स्टाइल के लिए हम ऐसे कर्व लाइन देंगे। ये ऐसे करके जहाँ ये ख़त्म हो रहा होगा हमारा रेक्टेंगल, वहाँ पे आप स्लोप दे दोगे ऐसे। ठीक है, ये देखो आप लोग ऐसे स्लोप दोगे, और ये ऑलमोस्ट इतना लाओगे जितना ही आपका फोरहेड था। ठीक है, अब इस फोरहेड से हम बिल्कुल जहाँ चिन ख़त्म हो रही है हमारी, ठीक है, ये यहाँ तक ये इसके हेयर स्टाइल का बन बना देंगे, जूड़ा जो बोलते हैं हम, जहाँ ये हमारे लिप्स ख़त्म हुए हैं। और ये जो स्पेस है इसको अपन ऐसे कर्व करके एंड तक ले आएंगे। ठीक है, अब यही कर्व लाइन जो आ रही है ये कहाँ तक आएगी, जहाँ तक ये लाइन आई थी। ओके, और ये कर्व होने के बाद ये ऐसे थोड़ा टिल्टेड लाइन। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से ऐसे करके जॉइन कर देंगे, ये लाइन ऊपर होगी, ये लाइन नीचे होगी। ठीक है, फिर से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, थोड़ा टिल्टेड उसमें। ठीक है, ये 11 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ से इसका फोरहेड बनाएंगे। इफ़ यू वांट आई विल टेल यू द मेजरमेंट फॉर फोरहेड आल्सो। ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, इतना पार्ट जो आ रहा है आपका ये 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर पे आप ऐसे कर्व करके स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आप नोज़ के लिए जाएंगे, तो मेरे लिए जो नोज़ आ रहा है
3.5 सेंटीमीटर है, ये जो डिस्टेंस है 3.5 सेंटीमीटर्स है, नोज आ गया। आपने यहाँ क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने ऐसे लिप्स बनाए और ये यहाँ कर्व करते हुए एंड तक लाओगे आप चेन को, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिया था थोड़ा सा डिस्टेंस, आई थिंक 2.5 सेंटीमीटर हमने लिया है इसको, यस 2.5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, आपके पेन को ऐसे लेते हुए कर्व करते हुए आप नीचे तक लेके जाएंगे, ठीक है। मैं यहीं तक ले गई हूँ, पेज के ऑलमोस्ट एंड तक। अब ऊपर साइड जो है, ऊपर हमको हेयर स्टाइल देना था, तो बिल्कुल कॉर्नर से हमने ये स्टार्ट किया, ऐसे करके कर्व देते हुए जहाँ एंड होना था हम नीचे लाए लाइन को, और कहाँ तक लाए, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट फोरहेड आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये फोरहेड ख़त्म हुआ था। अब वहाँ से हमने ऐसे जूड़ा बनाना स्टार्ट किया, और ये कहाँ तक किया, जहाँ हमारे लिप्स ख़त्म हुए। अब जहाँ ये ख़त्म हुआ जूड़ा हमारा, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और ये जो कर्व लाइन है ये वहाँ तक आएगी जहाँ तक आपका ये आया, एंड देन ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन, और ये आप इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो अब ये जो ये वाला जो हम इरेज करेंगे सब, तो उसके बाद हमारा प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। अब ये एक सेकेंड, तो ये प्रॉपर हमारा एक लेडी का फेस ड्रॉ हो गया। जब आप ये इरेज कर देंगे तो आपके पास पूरा एक स्केच आ जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट्स मैंने आपको दे दिए, अब आप ड्राइंग करके रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।